अगर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के खाता धारक हो तो आप यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के थ्रू फोन पे कैश इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसी का कंप्लीट पर ऑफर दिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको फोन पे का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करें, आप यहाँ पर फोन पे पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ से आपको फोन पे को इंस्टॉल कर लेना है। तो हमारा यहाँ पर फोन पे इंस्टॉल हो रहा, तो फोन पे यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर इस ऐप को ओपन करते हैं। अब जैसे ही आप फोन पे ऐप को ओपन कर, अब यहाँ पर यह सबसे पहले मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पर आप वही मोबाइल नंबर एंटर करें जिस मोबाइल नंबर के थ्रू आपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट ओपन किया है, यानी आपको अपने IPB बैंक का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ही यहाँ पर एंटर कर देना है। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर अपना IPB जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वह यहाँ पर एंटर करते हैं। फिर यहाँ पर आपको प्रोसीड करना है। तो जैसे ही हमने मोबाइल नंबर एंटर किया, तभी यहाँ पर ब्लू लाइन में यहाँ पर प्रोसीड वाला ऑप्शन आ चुका है। तो अब यहाँ पर आपको प्रोसीड करना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जो यहाँ पर ऑटो सबमिट हो जाएगा। तो वह OTP यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। आप देख सकते हैं लोडिंग और फोन पे अकाउंट। अब यहाँ पर परमिशन को अलाउ कर देना है और आप यहाँ पर देख सकते हैं फाइनली फोन पे ऐप में लॉगिन हो चुके हैं। फोन पे ऐप का कुछ प्रकार इंटरफेस होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको होम वाले सेक्शन में ही एक ऊपर प्रोफाइल का लोगो सुरा का फोन पे का आप यहां पर देख सकते हैं। तो आपको फोन पे के प्रोफाइल के लोगो पर ही क्लिक कर, तो जैसे ही आप फोन पे के प्रोफाइल के लोगो पर क्लिक करोगे, यहां पर आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा ऐड बैंक अकाउंट का। तो यहां पर सबसे पहले हमको बैंक लिंक करना है, फिर उसका UPI पिन सेट होगा, तभी हम फोन पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को लिंक करने के लिए यहीं पर आपको ऐड बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर, अब जैसे ही ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक किया, यहां पर आपको सर्च करना है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। अब जैसे हम यहां पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सर्च कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं यहां पर ऊपर पहला बैंक आ चुका है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो अब इस बैंक को लिंक करने के लिए हमको इसी बैंक पर क्लिक करना है और आपके सिम कार्ड पर रिचार्ज होगा, तभी यहां पर आपका बैंक लिंक होगा। तो हमारे सिम कार्ड पर यहाँ पर रिचार्ज है, तो यहाँ पर बैंक लिंक हो जाएगा। तो अब इस बैंक को लिंक करने के लिए आपको इसी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पर क्लिक करना है और आप देख सकते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, यानी इसने हमारा अकाउंट सक्सेसफुली फाइंड कर लिया है और हमारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक फोन पे में ऐड हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं अकाउंट एडेड सक्सेसफुली और हमारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अकाउंट नंबर के लाइट 4 डेट्स हो रहे हैं, नेम सब कुछ हो रहा है। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने अपने बैंक का इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का UPI पिन सेट नहीं किया होगा, तो आपके सामने यहाँ पर कुछ दूसरा इंटरफेस होगा। जैसे UPI पिन सेट होता है तो यहाँ पर डन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन UPI पिन सेट नहीं होगा तो कुछ अलग ऑप्शन देखने को मिलेगा। यानी जैसे अगर आपके बैंक का UPI पिन सेट नहीं होगा तो यहाँ पर एक UPI ID भी क्रिएट होगा जब आप ऐड करेंगे। तो अगर आप इस UPI ID को चेंज करना चाहते हैं तो इसको चेंज कर सकते हैं एडिट पर क्लिक करके। यहाँ पर आपको एक यूनिक UPI ID क्रिएट कर लेनी है, आप एक बार कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको प्रोफिट टू ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। प्रोफिट टू ऐड करने के बाद आपको अपने फोन पे ऐप से यहाँ से इसको कट कर देना है और आपको फिर से अपने फोन पे ऐप को ओपन करना है। अब जैसे आप फिर से फोन पे ऐप को ओपन करोगे, आपको फिर से फोन पे के प्रोफाइल के लोगो पर क्लिक करना है ऊपर, और आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिंक किया, तो यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हमारे यहाँ पर बैंक शो हो रहा है। तो अब आपको अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पर ही क्लिक करना है। अब जैसे आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पर क्लिक, अब दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत से ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर चेक बैलेंस का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, रीसेट चेंज का। लेकिन अगर आपके इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अभी तक UPI पिन सेट नहीं होगा तो यहाँ पर हमको चेक बैलेंस का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, वहाँ पर आपको ओनली सेट UPI पिन का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। यानी आपको यह तीन ऑप्शन नहीं देखने को नहीं मिल रहे होंगे, ओनली सेट UPI पिन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आपको सेट UPI पिन वाले ऑप्शन पर ही क्लिक करना है और अगर आपके में रीसेट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर आपको रीसेट पर क्लिक करना है। ओके, तो अब यहाँ पर जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आपको अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के डेबिट कार्ड के लास्ट 6 डेट और एक्सपायरी एंटर करनी है। अब यह आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, तो यहाँ से आपको बैक आना है,
प्ले स्टोर से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का आईपीपी मोबाइल बैंकिंग ऐप को इंस्टॉल कर लेना है और इस ऐप में लॉगिन हो जाना है। तो आप इसमें लॉगिन कैसे होगे? तो दो वीडियो बना चुके हैं, आपको दोनों वीडियो देख लेनी है तभी आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओके, तो उन दोनों वीडियो के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो जैसे ही आप इस ऐप में लॉगिन हो जाते हैं, आपके सामने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो मोबाइल बैंकिंग ऐप है, आपके सामने इसका कुछ प्रकार इंटरफेस होगा। तो अब हमको यहाँ पर इसका डेबिट कार्ड चाहिए, तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करते जाना है और यहीं पर आपको माई सर्विसेज वाले ऑप्शन में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डेबिट कार्ड रुपे। इसमें आपको एक वर्चुअल रुपे का डेबिट कार्ड देखने को मिलता है रुपे का। तो जैसे हम यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो जैसे अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम आओगे तो यहाँ पर आप 25 रुपया पे करने के लिए बोलेगा, तभी आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पर पहले 25 रुपये पे कर चुके हैं, इसलिए अब यह हमारा वर्चुअल कार्ड यहाँ पर सो रहा है। हम इसी कार्ड के थ्रू फ़ोनपे पेटीएम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर हमको क्या करना है, जैसे अगर आप 25 रुपया पे कर दोगे फिर से यहीं पर आओगे तो यहाँ पर आपको व्यू कार्ड डिटेल पर क्लिक करना है और जो आपने एम पिन सेट किया है एम पिन एंटर करना है। तो जैसे ही हमने एम पिन एंटर किया, आप यहाँ पर दे सकती हैं हमारा जो वर्चुअल डेबिट कार्ड है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का, उसका जो भी नंबर है वह कंप्लीट नंबर यहाँ पर शो हो रहा है और यहाँ पर एक्सपायरी यानी यह कितने मंथ और कितने ईयर को यह एक्सपायर हो जाएगा और इसका CVV, तो यहाँ पर इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई है, आप यहाँ से देख लें। तो वहाँ पर हमको फ़ोनपे में अपने वर्चुअल डेबिट कार्ड के लास्ट के 6 डिजिट एंटर करने हैं, यानी जो हमारा डेबिट कार्ड का यहाँ पर जो नंबर है 16 डिजिट का, तो हमको लास्ट के 6 डिजिट ही वहाँ पर एंटर करने हैं और यहाँ पर एक्सपायरी एंटर करनी है यानी मंथ एंड ईयर। तो हम यहाँ पर सब डिटेल एंटर कर, तो जैसे ही हमने अपने डेबिट कार्ड के लास्ट 6 डिजिट और एक्सपायरी एंटर किया, प्रॉफिट वाला ऑप्शन आ चुका है। तो अब हम यहाँ पर प्रॉफिट करते हैं। अब जैसे आप प्रॉफिट करेंगे, एंटर 6 डिजिट बैंक OTP, तो हमारे बैंक की तरफ से OTP आ चुका है, ऑटो सबमिट हो चुका है। अब हम यहाँ पर राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सेट 6 डिजिट UPI पिन, अब यहीं से UPI पिन सेट करना है, यानी जब भी आप फ़ोनपे के थ्रू अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से मोबाइल रिचार्ज करोगे, सेंड मनी करोगे, कहीं भी पैसा सेंड करोगे, कुछ भी करोगे, तो आपको यही पिन एंटर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप कोई भी मनपसंद की 6 डिजिट पिन क्रिएट कर लें, क्योंकि जब भी पेमेंट करेंगे तो इसी पिन की ज़रूरत पड़ती है। तो हम यहाँ पर अपना एक पिन एंटर कर चुके हैं, यानी हम यहाँ पर अपना UPI पिन बना चुके हैं। अब यहाँ पर आपको राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, कन्फर्म 6 डिजिट UPI पिन, यानी आपको इसी UPI पिन को फिर से एंटर करना है, यानी जो अभी आपने सेट की है आपको उसको फिर से एंटर कर देना। तो हम फिर से एंटर कर चुके हैं, आपको यहाँ पर राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपके बैंक का UPI पिन सक्सेसफुली सेट हो चुका है। UPI पिन सेट होने के बाद आपको अपने फ़ोन पे ऐप को फिर से ओपन करना है, यानी होम वाले सेक्शन में आ जाना है। अब दोस्तों यहाँ से आपने जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिंक किया है, तो आप किसी भी QR कोड को स्कैन कर अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के थ्रू पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मोबाइल नंबर UPI ID एंटर करके पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और अगर आप अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का बैलेंस चेक करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप चेक बैलेंस पर क्लिक करेंगे, तो आपने जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिंक करके रखा है आपको इसी बैंक पर क्लिक करना है। अब जैसे आप उस बैंक पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपने जो अपना पिन सेट किया है वही UPI पिन यहाँ पर आपको एंटर करना। तो UPI पिन एंटर करने के बाद हम यहाँ पर राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और आप देख सकते हैं फैच बैलेंस हमारे यहाँ पर आप देख सकते हैं अवेलेबल बैलेंस फिट सक्सेसफुली, यानी हमारे अकाउंट में जितना भी बैलेंस है वह यहाँ पर अब शो हो रहा है। तो इस प्रकार बैलेंस भी चेक कर सकते हैं।